माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था जब होटल से ग्राउंड पे आ रहे थे और सुबह अयान का जो आज बर्थडे भी है तो घर से भी विशेष आ रही थी, बहुत फैंस ने विशेष भेजी सोशल मीडिया में, थैंक यू वेरी मच कहूँगा उन सबको। लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मैं जब आ रहा था मैं एक अपने दोस्त से बात कर रहा था, मैं उसको बोला था कि आज मैच जिता के आयान को गिफ्ट देंगे, 50 बनाऊँगा इंशाल्लाह, और बहुत अच्छा डिलीवर भी हुआ वो चीज़, तो बहुत खुशी है मुझे उस चीज़ के लिए। आई थिंक आयान भी बहुत खुश हो रहा होगा टी वी पर मैच देख के। ऑब्वियसली हमेशा बॉलर सोचता है कि विकेट लेनी है, जब मेरे जैसा बैट्समैन अगर कोई भी टीम में खेल रहा हो तो वो हमेशा सोचते हैं कि इसको अटैक किया जाए, इसको आउट किया जाए, इसको बैकफुट पे डाला जाए, इसको सिंगल्स न दिया जाए और उसको प्रेशर में लाया जाए। मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी ऐसा कुछ होता है मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि काउंटर अटैक करने में जब आप उससे निकल के आते हो तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी सिचुएशन होती है और उसमें से अगर मैं मैच जिताता हूँ, और माशाल्लाह आज फिर मैंने वो कर दिखाया, तो मुझे बहुत खुशी है उस चीज़ से और बहुत काम रहता हूँ उस टाइम पे मैं। नहीं ऑब्वियसली मैं जब आउट हुआ मुझे बहुत बहुत गुस्सा आया अपने आप को, मैं पता नहीं क्या किस तरह से अपने आप को रिएक्ट करूँ, इस तरह से फील हो रहा था मैं कि ये गलत हुआ। लेकिन जब मनीष और सूर्या खेल रहे थे और जब रन्स भी एक सिंगल सिंगल डबल आ रहे थे, बाउंड्रीज भी नहीं आ रही थी, सूर्या का विकेट गिरा, मनीष खेल रहा था, मनीष के ऊपर भी प्रेशर बिल्ट हो रहा था, लेकिन काफ़ी अच्छे से उसने हैंडल किया, बहुत इतनी दिल धक धक नहीं पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अभी दिल मेरे मुँह से बाहर आ जाएगा, इस तरह से फील हो रहा था मुझे टीम को सबको। और ये पता नहीं हमेशा हमारे साथ ही होता है, और क्या बताया अभी आपको। ऑब्वियसली बहुत अच्छा हम लोगों ने शुरुआत किया है और बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और देखिए आप हम लोग मैच भी अच्छे जीत रहे हैं और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, जब आप क्रिकेट अच्छी खेलते हो तो आपके पाले में जो है आपके हिस्से में अच्छे रिजल्ट आते हैं, आप अच्छी क्रिकेट खेलते हो, और मेरे ख्याल से हम लोग अभी अच्छी क्रिकेट को बैक कर रहे हैं, ना कि रिजल्ट के बारे में सोच रहे, क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा और वो रिजल्ट सामने है।